सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमारे पास बचपन से ही दो रास्ते होते हैं, या तो हम सही रास्ता चुन ले, नहीं तो कठिनाइयां हमारा रास्ता चुन लेगी। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बहते अशकों की जुबा नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती, मिले जो प्यार तो कदर करना, किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। आज का पंचांग 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 10:06 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 8:30 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:32 से 2:09 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 3:15 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। धनुराशि 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार, आपको थोड़ा सा अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए, लेकिन आज अपना तो कोई अच्छी सलाह और न ही अपने मन की आवाज सुनना चाहते हैं। आपका यह अड़ियर रवैया आपके लिए घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह पर आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। इसका एक ही समाधान है कि आप अपना दिमाग खुला रखें और दूसरों की भी बातें सुनें। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए सही समय है। घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व सहयोग बना रहेगा जिससे आपकी परेशानी का भी हल मिलेगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों की चिंता दूर होगी। करियर और आर्थिक पक्ष में प्रगति दिखेगी, इस कारण काफी प्रसन्नता रहेगी। व्यक्तिगत जीवन में अकेलापन रह सकता है। एक वक्त पर एक ही समस्या के बारे में विचार करें। जो बातें आपकी अपेक्षा के अनुसार हो रही है उन पर ध्यान दें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने की आवश्यकता है। काम की वजह से यात्रा करने का मौका मिलेगा। नई जगह जाकर काम के नए अवसर भी मिल सकते हैं। विवाह से संबंधित निर्णय तय हो सकता है। सर्दी और एलर्जी बढ़ने की भी संभावना है। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं। बिजनेस कर रहे लोगों को कामों को लेकर सलाह करना होगा। सेहत में यदि आपने लापरवाही बरती तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था बढ़ेगी और आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें। सावधानियां, अपनी भावनाओं पर काबू रखें तथा किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना शांतिपूर्ण तरीके से करें। गुस्से और आक्रोश की वजह से परिस्थितियां बिगड़ सकती है। अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई से संबंधित परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आप हाल फिलहाल अपने जीवन में हर तरह के संबंधों को लेकर लापरवाह रहे हैं, लेकिन आपको समय रहते इनमें आ गई दूरी को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपके पार्टनर ने आपके मुश्किल समय में आपका काफी साथ दिया है, लेकिन आप उसी उत्साह से उनका साथ नहीं दे पाए हैं। केवल अपने साथी की कमियां ढूंढने में न लगे रहें। आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि उन्होंने खुद में कितना सुधार कर लिया है। बात करते हैं करियर की। आप चुस्त, विश्वसनीय, दृढ़ और सक्रिय हैं। ये गुण आपको किसी भी साक्षात्कार में आगे रखने में आपकी मदद करेंगे। आप आज अगर किसी भी साक्षात्कार के लिए जा रही हैं तो अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। आज के दिन सफेद रंग शुभ है और अपने कपड़ों के कुछ हिस्सों में यह रंग पहने। वित्तीय मामले आज औसत रहेंगे। आज आप संपत्ति खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। बिजनेस में फायदेमंद स्थिति बन रही है। साझेदारी संबंधित कारोबार में पारदर्शिता रखने से व्यवसाय में गति आएगी। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे तथा आपकी तरक्की की भी संभावना है। भागदौड़ ज्यादा भी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। आप कुछ तनाव में लग रहे हैं। फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे तैराकी और योगादि का अभ्यास करें। अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए
ऐसा नियमित रूप से करें। मौसम हो तो ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम में जाकर ट्रेनर के अनुसार हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और लाल फूल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।